एग्जीबिशन यूथ यूनाइटेड ने की है और इस एग्जीबिशन में हमारा मेन मोटिव रहा था कि हम लोग जो रियल आर्ट है, जो पेंटर्स है कश्मीर के, उनको हम एक्सपोजर दें और हम लोग उनका काम लोगों तक पहुँचाए. आर्ट हैज़ ऑलवेज इंस्पायर्ड पीपल एंड वाई नॉट अभी भी इंस्पायर ही करेगा. तो ये काफ़ी अच्छा एग्जीबिशन है, मुझे काफ़ी सीखने को भी मिला और अच्छा एक्सपीरियंस हुआ ये देख के. और पहली बार कश्मीर में हो रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. यहाँ पर कश्मीर में ओपन ईयर कभी होता नहीं था एग्जीबिशन रिलेटेड टू मोस्टली आर्ट वगैरह, तो ये एक नया इनिशिएटिव है, तो आई थिंक इट्स गुड. मैंने आज तक कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, पेंटिंग्स में करता हूँ लेकिन आज तक मैंने कभी किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया. इससे काफ़ी एक्सपीरियंस मिलेगा मेरे को, कैसे डील करना होता है जब कोई व्यूअर आता है, कैसे पेंटिंग्स को अपनी एक्सप्लेन करते हैं, तो उस सब के लिए मतलब मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिल रहा है और ये अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया. ये हमारा पहला एग्जीबिशन है, इससे पहले हमने अपनी वर्क्स को कहीं पर एग्जिबिट नहीं किया है, तो हम यूथ काउंसिल के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी वर्क्स को यहाँ पर लाया. ऐसे आर्टिस्ट जो है मोटिवेट होते हैं ऐसे इवेंट से, क्योंकि आज आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी पेंटिंग्स हैं और कितने ज़्यादा आर्टिस्ट आए हैं, तो अगर इसी तरह के इवेंट्स होते रहेंगे तो आर्टिस्ट जो है उनका जो है आर्ट है वो प्रमोट होता रहेगा और ज़्यादा टैलेंटेड लोग जो है उभर जाएंगे. ये हमारे आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा है, ओपन ईयर में पब्लिक आती रहेगी, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है. बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई, बहुत मेहनत की इन पेंटिंग्स पे, बहुत यूनिक पेंटिंग्स है, डार्क है और पोलियो भी बहुत अपडेट हो गया है, नया नया सा लग रहा है. बहुत लोग चलेंगे, वर्कआउट करेंगे, वॉक करेंगे, हेल्दी रहेगा, हेल्थ के लिए भी. हिडन टैलेंट है कश्मीरी स्टूडेंट्स का या आर्टिस्ट का, वो हम एक स्ट्रीट पे हम आज डिस्प्ले कर रहे हैं ताकि हमारी जो ये आर्टिस्ट है इनको इनकरेजमेंट मिले, इनके लिए एक प्लेटफॉर्म बने. अच्छा लगा देख के और हमको भी सबको प्रमोट करना चाहिए ये सब. फाइनली मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, आर्ट इज़ आर्ट, एवरीथिंग एल्स इज़ एवरीथिंग एल्स. बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स है जो इंटरनेशनल मार्केट में एग्जिबिट हो सकती थी, बट इनके लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं था. मुझे लगता है ये जो मार्केट उभर के आया है, दिस इज़ अ राइट प्लेटफॉर्म, एंड जो ये ऑर्गेनाइजर्स है, आई एम हाईली थैंकफुल टू देम टू गिव सच अपॉर्चुनिटीज टू अवर टैलेंटेड यूथ.